अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक पटे गुरु, मैं आपका विकास, आपका अपने चैनल का फिर स्वागत करता हूँ। तो आज आपके लिए मैं आपके लिए नया पेपर सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपका इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया का पेपर है, जो कि 2000 पिछली वीडियो हम लोग 2016 जनवरी का पेपर सोल्यूशन किया था। तो ये पेपर आपके लिए अवेलेबल हुआ है 2016 जुलाई, तो ये लास्ट पेपर है। इसके बाद मैं सोल्यूशन नहीं करूँगा, क्योंकि इतने आपके लिए टॉपिक मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आप इतने तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो बाकी और अदर एग्ज़ाम को भी मैं कवर करना है, तो एक आंसर को प्रोवाइड करने में काफ़ी समय लगता है। तो अगर आप इतने भी तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तो ये हिंदी का पेपर भी है, लेकिन पता नहीं NLT ने कौन सा फॉन्ट यूज़ किया है इसमें, तो ये हिंदी आपको समझ में नहीं आएगी, सपोर्ट नहीं करेगी जब आप पेपर डाउनलोड करेंगे। तो हम लोग इंग्लिश का ही पार्ट डिस्कस सोल्यूशन करेंगे। तो ये पूरा पेपर है, यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी पेपर के पहले। तो उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं परीक्षार्थियों को जो निर्देश दिए जाते हैं पेपर में, इसको जरूर आप लोग पढ़ लिया करें पेपर देने से पहले। कृपया प्रश्न पुस्तिका OMR सीट एवं उत्तर पुस्तिका में दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रश्न पुस्तिका की भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी में है, तो दोनों भाषा में आपको पेपर मिलेगा। परीक्षार्थी किसी भी एक भाषा का चयन कर सकता है। तो अगर आपने फॉर्म भरते समय जो भी दिक्कत हुई हो उससे मतलब नहीं है, अर्थात या हिंदी या इंग्लिश किसी में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस मॉड्यूल पेपर के दो भाग हैं, एक भाग में प्रश्न पत्र और दो भाग में, भाग दो में 5 प्रश्न हैं, एक में आपके 4 हैं, दूसरे में आपके 5 हैं। उसके बाद भाग एक वैकल्पिक प्रकार का है जिसमें आपको 40 अंक हैं, तथा भाग दो व्यक्तिपरक प्रकार का है जिसमें आपको कुल 60 अंक हैं। भाग एक के उत्तर इस प्रश्न पत्र में साथ में दी जा गई आपकी जो MR सीट है उसमें आपको देने हैं, और भाग दो की उत्तर पुस्तिका भाग एक के उत्तर नहीं दिए जाने चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, OMR के उत्तर आपको उसमें नहीं लगाने हैं पार्ट टू में। भाग एक के लिए अधिकतम समय सीमा 1 घंटा निर्धारित की गई है। भाग दो की उत्तर पुस्तिका भाग एक की उत्तर पुस्तिका जमा करने के पश्चात ही दी जाएगी, तथापि निर्धारित 1 घंटे से पहले भाग एक पूरा करने वाले परीक्षार्थियों को भाग एक की उत्तर पुस्तिका निरीक्षक की सौंपने के तुरंत बाद भाग दो की पुस्तिका ले सकते हैं। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखें। काफ़ी लोगों ने कहा था कि सर उन्होंने कॉपी नहीं दी थी, तो आप उसको उनको कह सकते हैं, और आप ये पेपर के जो नियम आपको दिया गया है आप उनको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप समय से पहले OMR सीट अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, तो समय से पहले अगर आप भाग एक को पूरा करने वाले परीक्षार्थी भाग एक की उत्तर पुस्तिका को सौंपने के तुरंत बाद आपने समय से पहले कल कंप्लीट कर लिया, आप उसको जमा कर देते हैं, मान लिया आधे घंटे में आपने OMR कंप्लीट कर लिया, तो आपको 2.5 घंटे का पूरा समय पार्ट टू के लिए मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा, आप नंबर आप उसमें खींच सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा लिख सकते हैं। तो भाग दो की उत्तर पुस्तिका आप ले सकते हैं। तो अगर आपको एग्जामिनर नहीं देता है तो आप उसको ये नियम दिखा सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर इसमें NLT के नियम के हिसाब से आप इसको दे सकते हैं कॉपी। उत्तर परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए बिना अथवा अपनी उत्तर पुस्तिका के निरीक्षक को सौंपे बिना परीक्षा के हॉल से ना छोड़ें, तो आपके लिए कॉमन सी बात है। अगर आप छोड़ भी देंगे तो आप ही का नुकसान होगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और बाकी कुछ यही सब नियम दे रहे हैं, और आपकी माइनस मार्किंग नहीं होती है, जरूर आप लोग ध्यान रखें। तो चलिए, आपको कुछ निर्देश थे तो मैंने आपको जानकारी दे दी, आपके लिए जो पहली बार एग्जाम देंगे उनके लिए बेनिफिट होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं आप, फॉन्ट आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग इंग्लिश में इंग्लिश का, ये हिंदी का फॉन्ट है और इसी में इंग्लिश का पोर्शन है, इसको हम लोग देखेंगे। तो 1.1 देखते हैं। व्हेन ए प्रोग्राम असाइंड, इसलिए मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को, जिससे कि आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है तो वो भी आपको समझ में आ जाए। व्हेन ए प्रोग्राम असाइंड 8 बिट टू ए पिक्सल, डैट पिक्सल कैन डिस्प्ले वन ऑफ अप टू कलर। तो 1.1 का जो आपका बनेगा सी ऑप्शन बनेगा, 256 आपके कलर होते हैं किसी भी पिक्सल को डिस्प्ले करने में। तो 1.1 का सी ऑप्शन बनेगा। 1.2 साउंड आर रिकॉर्डेड ऑन ए कंप्यूटर इज़, 1.2 का बी ऑप्शन बनेगा, डिजिटाइज।
1.2 का बी बनेगा। 1.3 पे चलते हैं, इज ए टूल यूज्ड इन मल्टीमीडिया टू ऑथेंटिकेशन दी ओरिजिनलिटी, कौन सा टूल है, ये कई बार आ चुका है। 1.3 का ए ऑप्शन बनेगा वाटरमार्क, कि आपका ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, तो अगर आप वाटरमार्क लगाते हैं तो आप ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि आपकी ये आप ही का ही प्रोडक्ट है और ओरिजिनल है। 1.4, व्हाट डज एम पी ई जी स्टैंड फॉर, एम पी जी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो आपकी वीडियो फाइल होती है। तो 1.4 का सी ऑप्शन बनेगा, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, याद रखिएगा मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, और कोई आप लोग ना लगाते, मॉडर्न दिया है मॉड, और यहाँ पे मोशन पिक्चर एक्सपर्ट गैंग दिया है, तो गैंग नहीं है आपका, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, यहीं से आपको तैयार हो जाएगा। 1.5 पे चलते हैं, वो सारी इधर दिया हुआ है। दी टेक्स्ट कलर इज इन ए प्रेजेंटेशन शुड कॉन्स्ट्रक्ट विद दी कलर, तो 1.5 का हो जाएगा डी बैकग्राउंड। 1.6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेंटिंग प्रोग्राम एंड इमेज एडिटिंग प्रोग्राम, 1.6 का बनेगा डी ऑप्शन फोटोशॉप, इसमें आप पेंटिंग और एडिटिंग वगैरह काम कर सकते हैं। 1.7, JPEG कंप्रेस टेक्निक इज, JPEG कंप्रेस टेक्निक अगर यूज़ करेंगे तो नाउ लूजनेस इज आल्सो अवेलेबल, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी, 1.7 का बी, लूजनेस। 1.8, रास्टर इमेजेस आर आल्सो नोन एज, जो रास्टर ग्राफिक होती है वो आपकी बिट मैप होती है, तो 1.8 का ए ऑप्शन बनेगा। 1.9, इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, लीनियर और नॉन लीनियर दिया हुआ है, सॉरी नीचे आते हैं, ये तो हिंदी में आपका था इसलिए यहाँ से स्टार्ट है। ए मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर, अभी पिछले वीडियो में क्वेश्चन आया था ये 2016 में, तो 1.9 का ऑप्शन बनेगा सी, बोथ है आपका, लीनियर भी है और नॉन लीनियर भी है। 1.10 पे चलते हैं, तो 1.10 आपका दिया हुआ है वेक्टर, ये है शायद वेक्टर इमेजेस आर, यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पर 10 नंबर लिख देते हैं, ऊपर कहीं होगा, तो वेक्टर इमेजेस आर कंपोस्ट पिक्सल कंपोस्ट डॉट कंपोस्ट, तो इसका आंसर होगा वेक्टर ग्राफिक्स आर कंपोस्ट ऑफ पैथ बिटवीन डॉट्स, तो कंपोज ऑफ पैथ बिटवीन डॉट, यानी कि 1.10 का बी ऑप्शन बनेगा। तो ये थे आपके लिए मल्टी मीडिया चॉइस, अब आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स को देख लेते हैं। तो ये पेपर देख सकते हैं आप, फॉन्ट सपोर्ट नहीं कर रहा, ये पूरा आपका हिंदी का पोर्शन है, तो हम लोग हिंदी को नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, हम लोग इंग्लिश में चलते हैं, और यहाँ पर इंग्लिश का पोर्शन अवेलेबल है। तो 2.1, यूजिंग इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ कैन बी क्रिएटेड मेनली रास्टर टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स, तो फॉल्स होगा आपका ये बिल्कुल। 2.2, ए वेब फाइल फॉर्मेट हैज़ ए स्मॉलर फाइल साइज देन ए MP3 फाइल फॉर्मेट, तो 2.2 ये भी आपका फॉल्स है बिल्कुल। 2.3, मल्टीमीडिया में इंक्लूड टेक्स्ट बिट एलिमेंट, 2.3 ये आपका ट्रू है। 2.4, दी फाइल साइज ऑफ बिट मैप इमेजेस इज सिमिलर टू दी फाइल साइज ऑफ वेक्टर इमेजेस, 2.4 फॉल्स, ये भी ट्रू फॉल्स है आपका। 2.5, दी प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग दी वॉल्यूम ऑफ ए साउंड to bring it a standard level is called quantization, तो 2.5 false होगा आपका। 2.6, dot mov is a video file extension, ये true है आपका। 2.7, a graphics image file is t.eps, this file is a bitmap image file, 2.7 false है, ये आपकी coral की file होती है। 2.8, JPG is one of the video file extension, 2.8 का फॉल्स है, इमेज फाइल एक्सटेंशन है। 2.9, मल्टीमीडिया प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व नॉट ओनली द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट बट आल्सो इंटीग्रेशन ऑफ दोज कंपोनेंट यूजिंग एन ऑथरिंग टूल्स, तो ये आपका ट्रू है। 2.10, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया इज अडॉप्टेबिलिटी, तो ये आपका फॉल्स होगा, कॉस्टली पड़ता है इसलिए इसका डिसएडवांटेजेस है, अडॉप्टेबिलिटी नहीं होगा। तो ये थे आपके ट्रू एंड फॉल्स, और अब आगे बढ़ते हैं और मैथ कॉलम को मैच कर लेते हैं। तो ये हिंदी का पोर्शन है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। तो ये हमारे पास इंग्लिश में अवेलेबल हो गया, अब इसको मैच कर लेते हैं। तो 3.1, ग्राफिक्स डैट अलाउ ईच पिक्सल टू बी सोन ऑन ए कंप्यूटर एज ब्लैक वाइट एज ए शेड ऑफ ग्रे, तो 3.1 का
के ऑप्शन बनेगा ग्रे स्केल 3.2, दी डेंसिटी ऑफ पिक्सल ऑन ए स्क्रीन 3.2 का, सी ऑप्शन बनेगा रिजोल्यूशन 3.3, ए टैनी डॉट ऑफ वाइट ब्लैक और कलर अरेंज इन रो ऑन ए मोनिटर 3.3 का, एच ऑप्शन बनेगा पिक्सल 3.4, प्रोसेस यूज टू रिमूव जैक्ड एजेस इन कंप्यूटराइज ग्राफिक 3.4 का, एफ ऑप्शन बनेगा एंटी एलाइजिंग 3.5, ट्रांसपोर्टिंग रियल टाइम वॉइस एंड वीडियो अवर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, तो 3.5 का आई ऑप्शन बनेगा वीडियो कॉन्फ्रेंस 3.6, टेम्प्रेरी स्टोरेज स्पेसेस इज यूज फॉर ए सेगमेंट ऑफ द फाइल सो डैट डेटा कॉन्टिन्यू टू फ्लो स्मूथली 3.6 का, जी ऑप्शन बनेगा बफर 3.7, डी के इज सी एम वाई के स्टैंड फॉर, या आपके कलर कोड है, तो 3.7 का बी ऑप्शन बनेगा ब्लैक, तो ये 7 नंबर है 3.8, एन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट इज रिफर्ड एन एस 3.8 का, ई ऑप्शन बनेगा स्प्रिट्स स्प्राइट 3.9, स्पीच एनकोडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ 3.9 का, डी ऑप्शन बनेगा ऑडियो डेटा कंप्रेशन 3.10, ए वीडियो स्टैंडर्ड 3.10 का, ए ऑप्शन बनेगा वीडियो स्टैंडर्ड फाइल आपकी MPEG होती है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, थोड़े से लेंथी थे तो कन्फ्यूजन उसमें आपको हो सकता था, लेकिन जो आंसर थे उसके काफ़ी सिंपल थे, तो मैंने सोल्यूशन कर दिया, आपको आंसर मिल गए होंगे। PDF में आप उसको टिक कर लें, या कहीं आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो ज़रूर आप उसको नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लेते हैं, तो यहीं पर हिंदी में अवेलेबल है, सॉरी इंग्लिश में। तो 4.1, इफ़ यू वांट टू इनलार्ज रिड्यूस एन इमेजेस साइज विच डिफर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइज विदाउट लूज ए क्वालिटी, देन दैट इमेजेस शुड बी फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में रहेगा, अगर आप उसकी क्वालिटी को बढ़ा या घटा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी ना ख़राब हो, इसके लिए 4.1 का एच ऑप्शन बनेगा, यानी वेक्टर ग्राफिक अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 4.1 का एच ऑप्शन बनेगा। 4.2 पे चलते हैं, क्रिएट्स इन बिटवीन फ्रेम्स व्हेन यू क्रिएट द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ द एनिमेशन, तो 4.2 का के ऑप्शन बनेगा ट्विनिंग। तो आप देख सकते हैं, आप अगर आप 10 से 15 पेपर के सेट लगा लेते हो तो आपको वही चीज़ें वही शब्द दिखेंगे बार बार, तो आपको खुद ही तैयार हो जाएगा पेपर। 4.3, इज ए स्टैंडर्ड इंटरफेस दैट इज़ यूज टू सेंड कमांड टू इंस्ट्रूमेंट एंड साउंड सोर्स 4.3 का, एल ऑप्शन बनेगा मिडी फाइल। 4.4, पेंटिंग प्रोग्राम क्रिएट ग्राफिक 4.4 का ई ऑप्शन बनेगा बिट मैप ग्राफिक्स पेंटिंग के लिए। 4.5, व्हेन सम थिंग्स इज डिस्प्लेड एट द सेम टाइम एज ए क्रिएटेड एसिड ऑफ इम्पोर्टेड इट इज़ नोन एज 4.5 का, सी ऑप्शन बनेगा रियल टाइम। 4.6, ए इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेट इंटरप्ट मार्क डॉक्यूमेंट सच एज HTML एंड रेंडर देम विजुअली ऑन कंप्यूटर स्क्रीन 4.6 का, जी ऑप्शन बनेगा ब्राउज़र। 4.7, नेम ऑफ पॉपुलर सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएटिंग 2D एनिमेशन फॉर यूज इन वेब पेजेस, वेब पेजेस के लिए 2D एनिमेशन का कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर आप नाम देखें पहले, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर का नाम दिख रहा है तो वहीं से आप इसको आंसर ढूंढ सकते हैं। तो 4.7 का ऑप्शन बनेगा जो वहाँ पे N बनेगा, फ्लैश अगर आपने यूज़ किया, तो फ्लैश आपका सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ फ्लैश फाइल को नहीं पूछ रहा, ये फ्लैश आपका 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर N ऑप्शन बनेगा। 4.8, इज ए डिजिटल रिकॉर्डिंग एंड ए प्लेबैक मीडियम 4.8, डिजिटल ऑडियो टेप D। 4.9, ए ब्रॉडकास्ट NTSC वीडियो रिकॉर्ड FPS फॉर इट टू प्ले स्मूथली, तो 4.9 का देख लेते हैं, F ऑप्शन बनेगा, यानी कि 30 फ्रेम पे चलाएंगे तो वो आपकी सही चलेगी, तो यहाँ पे F लिख देते हैं, F ऑप्शन बनेगा 30। 4.10,
ए फॉन्ट इज़ ए ग्रुप ऑफ वेक्टोरियल ड्राइंग देन दे कैन बी स्केल्ड विद नो लूज ऑफ क्वालिटी। तो 4.10 का एम ऑप्शन बनेगा ट्रू टाइप, ट्रू टाइप फॉन्ट का नेम है आपका। तो ये थे आपके 2016 जुलाई जो कि लास्ट पेपर है, इसके बाद मैं सोल्यूशन नहीं करूँगा, आपको इसी में ही तैयारी करनी होगी जो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब मेरे पास आंसर तो मैं प्रोवाइड कर दूँ 2017 के भी, लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि इतने आपके लिए इनफ है, आप इसको ही तैयार कर लें। तो थैंक्स लॉट ऑफ वॉचिंग और तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक। 2000 मल्टीमीडिया के मैंने सारे पेपर सोल्यूशन कर दिए हैं, अब जो बचे होंगे और जो कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स होंगी या जो कुछ आंसर आपके लिए प्रोवाइड कराने हैं उसको मैं अब थोड़ा उस पर फोकस करूँगा जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।